हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा को प्रथम प्रजापति माना जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने सृष्टि के सृजन में अपनी सहायता के लिए कई अन्य प्रजापतियों की रचना अपने मन से की थी, जिन्हें मानस पुत्रों के रूप में चित्रित किया गया है। प्रजापति मरीचि और देवी काला के पुत्र महर्षि कश्यप थे, जो सप्तर्षियों में से एक थे। महर्षि कश्यप ने ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष की 17 पुत्रियों से विवाह किया, जिससे समस्त जातियां उत्पन्न हुई थी। महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री अदिति से उत्पन्न 12 पुत्र देवता कहलाए। इन 12 देवताओं के साथ उपदेवता, यक्ष और गंधर्व के समूह को सुर कहते हैं, और जो सुर नहीं होते वो असुर कहलाते हैं। इस प्रकार असुर कोई जाति नहीं बल्कि जातियों का समूह है, जिसमें दैत्य, दानव एवं राक्षस जातियां आती हैं। महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। इनके 2 पुत्र हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष और 1 पुत्री होलिका हुई, जहाँ से दैत्य जाति की शुरुआत हुई। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु के वाराह अवतार ने किया था। हिरण्यकश्यपु के सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद थे, जो महान विष्णु भक्त हुए। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि हुए। इन्हीं बलि को श्रीहरि ने वामन रूप लेकर पराभूत किया और पाताल का राज्य दे दिया। दानवों की उत्पत्ति कश्यप और दक्ष की पुत्री दनु से हुई, और ये देवताओं और दैत्यों के छोटे भाई थे। दानव आकार में बहुत बड़े और बर्बर होते थे। पहली पीढ़ी के दानवों में विप्रचित्ति प्रमुख है, जो होलिका का पति था। उनका पुत्र स्वरभानु था, जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत पीकर अमर हो गया और राहु केतु कहलाया। मायासुर भी एक दानव था, जिसकी पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी बनी। राक्षस सभी असुरों में सबसे सुसंस्कृत और विद्वान थे। राक्षस वंश की शुरुआत हेति और प्रहेति नामक 2 असुरों से हुई थी, जिनका जन्म ब्रह्मा जी के क्रोध से हुआ था। प्रहेति तपस्वी बन गए और हेति ने यमराज की बहन भया से विवाह किया। हेति के पौत्र माल्यवान, सुमाली एवं माली थे। सुमाली की एक पुत्री कैक्सी थी, जिसने ब्रह्मा के पौत्र विश्रवा से विवाह किया, और उनसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए।